डाल लो। ठीक है, तो भारत पाकिस्तान के रिश्तों पे चलते हैं। बहुत कुछ आपको पता है इसके बारे में, बहुत कुछ पता है, लेकिन अब मेरा ये फर्ज है कि मैं इसको थोड़ा ब्रीफ में समझा दूं। ये एक मैंने एक टाइमलाइन यहाँ पे बनाई हुई है, और इस टाइमलाइन में हम देखते हैं सबसे पहले, बस एक रामायण सुनाऊंगा, रामायण सुनते चले आना, और बाकी ये नोट्स मैं आपको शेयर कर दूंगा, मन करे तो पढ़ लेना, वैसे मैं समझा सक दूंगा। देखिए 1947 में भारत और पाकिस्तान दो देश बन गए, इंडिया एंड पाकिस्तान। इसे कहते हैं टू नेशन थ्योरी, टू नेशन थ्योरी, दो राष्ट्र का सिद्धांत। अंग्रेजों ने कहा था कि हम दो राष्ट्र बना के जाएंगे, टू नेशन थ्योरी, और टू नेशन थ्योरी में एक बना भारत, एक बना पाकिस्तान। आजकल टू नेशन थ्योरी का कॉन्सेप्ट चल रहा है, इसराइल एक देश है ये। अब आज 2021 में जब आपसे कोई टू नेशन थ्योरी के बारे में बात करेगा, तो आपके दिमाग में आना चाहिए इसराइल और पैलेस्तीन के बारे में। पैलेस्तीन को देश नहीं मानता, यूनाइटेड नेशन इसराइल को देश मानता है, लेकिन अब ये चल रहा है कि आपस में लड़ते भिड़ते रहते, इससे अच्छा दो देश को नहीं बना देते हो यार, मतलब पैलेस्तीन को भी देश का दर्जा दे दो। अब जो टू नेशन थ्योरी की बात आती है वो इसराइल पैलेस्तीन के लिए आती है, लेकिन 1947 में जो टू नेशन थ्योरी की बात आती थी वो भारत और पाकिस्तान के लिए आती थी। ठीक है, और अंग्रेज यहाँ पे हमको तोड़ के चले गए। ठीक है, पहले आजाद हुआ पाकिस्तान 14 अगस्त को, 15 अगस्त को हम आजाद हुए, क्योंकि दोनों देशों का गवर्नर जनरल एक ही था उस समय, माउंटबेटन। तो माउंटबेटन पहले 14 अगस्त को गया पाकिस्तान, फिर बाय रोड आया 15 अगस्त को भारत, और भारत में इसने आजादी दी। जैसे आजादी दी, उसके बाद हमारे जो जो हमारे बॉर्डरिंग स्टेट थे, खास करके जैसे हम कहें जम्मू एंड कश्मीर, जूनागढ़, ठीक है, और हैदराबाद। हैदराबाद तो बॉर्डरिंग स्टेट नहीं था, लेकिन इन तीनों ने आखिरी तक परेशान किया कि हम भारत में नहीं मिलेंगे। तो हैदराबाद पे हमने पुलिस लगा दी, जूनागढ़ पे हमने जिसे कहते हैं जनमत संग्रह करा लिया, यानी वोटिंग करा ली, और इसको तो अपने अंडर में कर लिया। लेकिन जम्मू कश्मीर के साथ ये था कि भैया ये सबसे ऊपर वाला हिस्सा है और बॉर्डरिंग स्टेट था, इसलिए ये हो गया। ठीक है, जम्मू कश्मीर से पूछा भाई भारत में आओ, जम्मू कश्मीर ने बोला साहब मुझे 1 साल का समय दो, मैं सोचता हूँ। 1947 में जम्मू कश्मीर ने 1 ईयर का टाइम मांग लिया था कि मैं एक साल सोचता हूँ, उसके बाद बताता हूँ कि भारत में जाऊँ कि पाकिस्तान में जाऊँ। हमने बोला ठीक है, वेल एंड गुड। लेकिन इसी बीच में क्या हुआ, 1948 में पाकिस्तान ने कबाइलों को, कबाइली कौन होते हैं, कबाइली, कबाइली मतलब ट्राइबल लोग, पाकिस्तान ने जो कश्मीर वाले, जैसे मैं ये कश्मीर यहाँ बनाऊँ तो यहाँ पे इधर से जो हिस्सा लगा था वो पाकिस्तान का लगा हुआ है, तो पाकिस्तान ने यहाँ से जो ट्राइबल लोग थे उनको उनको पैसा दिया, उनको बंदूक दी, और उनको बोला जाओ कश्मीर पर अटैक कर दो। तो ये लोग ने कश्मीर पर अटैक करना शुरू कर दिया। ये लोग वर्दी नहीं पहने हुए थे। हाँ मैं समझा रहा हूँ ना शिवानी, तुम्हारा क्वेश्चन ही समझा रहा हूँ मैं। ये लोग पाकिस्तान आर्मी की वर्दी नहीं पहने हुए थे, लेकिन इनको पाकिस्तान आर्मी का पूरा सपोर्ट था। इन लोग यहाँ पे आए, इनको गोला बारूद, कबाली, कबाइली मतलब ट्राइबल लोगों को हिंदी में कबाइली कहते हैं, जैसे कबीला, कबाइली एक ही चीज है, ट्राइबल, ट्राइब्स को हिंदी में कबाइली कह देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि आप गोंड और आदिवासी जो बैका है इनको कबाइली कहे, असल में कबाइली उन ट्राइब्स को कहते हैं जो कि मूवमेंट करती हैं और जो कि मवेशियों को पालती हैं, और खासकर ऐसे ट्राइबल्स लोग जो घुमंतू प्रकार के होते हैं, बंजारे टाइप के, उनको हम मोटे तौर पर कबाइली कह देते हैं। तो इन लोगों ने अटैक करना शुरू कर दिया, और जब इन पे अटैक शुरू हुआ तो ये जो थे, हाँ माइग्रेटिंग ट्राइब्स कह सकते हैं, तो यहाँ पे जो हरी सिंह साहब थे, हरी सिंह ने उस समय भारत सरकार से बोला कि सर हमको सपोर्ट करिए। तो भारत सरकार ने बोला सर आप तो भारत में मिले ही नहीं है, और आप जब मिले ही नहीं तो हम आपको कैसे सपोर्ट करते हैं, क्योंकि कागज में तो आप जो कश्मीर है वो एक विदेशी जमीन है, फॉरेन लैंड है, क्योंकि आप अभी तक हमारे पास मिले नहीं हो। तो हरी सिंह ने आनन फानन में जो विलय पत्र है उसमें साइन किया, विलय पत्र में साइन किया, और विलय पत्र में ये था कि भैया अभी तो मैं आपसे मिल रहा हूँ, मतलब अभी तो मैं भारत का हिस्सा बनने को तैयार हूँ, लेकिन जब ये स्थिति सही हो जाएगी, जब ये दिक्कतें खत्म हो जाएंगी, लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाएगा, तो हमारे यहाँ की जो विधानसभा है, या हमारे यहाँ की जो संविधान सभा है, मतलब यहाँ की लोकल जो चुने हुए नुमाइंदों की सरकार है, उनसे आप परमिशन लेना या उन पर वहां पे वोटिंग कराना। ठीक है, तो भारत सरकार ने बोला, विलय पत्र को बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन, ऑफ एसेशन। मुझे बीच बीच में रोको मत बेटा, नहीं तो मैं ब्रीफिंग दे रहा हूँ, मैं इसको डीप में नहीं समझा रहा हूँ, डीप में मैं समझाऊंगा, लेकिन मुझे ब्रीफिंग देना है। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन पे साइन किया, और ये कहा गया था कि अभी तो ठीक, आप हमें हमारी सुरक्षा में, भारत से कहा हमारी सुरक्षा में आर्मी तो भेजो यार, नहीं तो ये सब घुस जाएंगे हमारे यहाँ।
और ये पूरा हिस्सा पाकिस्तान में चला जाएगा। तो भारत बोला ठीक है ओके, तो फटाफट यहाँ पे आर्मी गई और आर्मी ने सब कुछ कंट्रोल कर लिया। तो ये जो सबसे पहला अटैक हुआ था वो 1948 में हुआ था, 1948 का जो अटैक है वो पाकिस्तान आर्मी ने नहीं किया था, पाकिस्तान की आर्मी ने सपोर्ट करके करवाया था। इसलिए कहीं कहीं आपको देखने को मिलता है कि 1948 के अटैक को इंडिया पाक वॉर नहीं कहते, क्योंकि भारत की सेना ने पाकिस्तान की सेना को गोली नहीं मारी, उन कबाइलों को गोली मारी जो असल में, और कहीं कहीं तो ये भी कहा गया जो कबाइलों का कपड़ा पहन के आए थे वो असल में पाकिस्तानी आर्मी के सोल्जर्स थे, लेकिन उन्होंने अपना ड्रेस आदिवासी वाला पहना हुआ था। खैर जो भी है, तो 1948 में जब ये सब हुआ तो तब से क्या हुआ, जो कश्मीर का इशू है वो भारत और पाकिस्तान दोनों के बीच में वो विवाद का हिस्सा हो गया। 1948 का जो वॉर था, इस वॉर में उस समय का जो यूनाइटेड नेशंस था, यूनाइटेड नेशंस ने इसमें मध्यस्थता कराई थी। यूनाइटेड नेशंस के बारे में हम पढ़ चुके हैं, 1945 में बना हुआ था। तो यूनाइटेड नेशंस ने इसमें मध्यस्थता कराई और ये कहा गया कि ना कश्मीर भारत का रहेगा ना कश्मीर पाकिस्तान का रहेगा, कश्मीर एक ऐसा जगह है जहाँ पे दोनों सेनाओं की आर्मी रहे, मतलब दोनों देशों की आर्मी रहे, लेकिन ये जिसका भी हिस्सा होगा, ये जिसका भी हिस्सा होगा, पहले यहाँ की जनता क्या करेगी, वोटिंग करेगी, जनमत संग्रह कराएगी, या एक तरह से प्लेबिसाइट होगा, जनता कहेगी कि उसको पाकिस्तान में जाना कि हिंदुस्तान में जाना है, ठीक है। तो यूएन में ये सब हुआ था, यूएन में कहा गया था कि भाई युद्ध जो हो रहा है इसको बंद किया जाए। तो यूएन की ब्रोकरिंग से यानी यूएन के मध्यस्थता ही युद्ध बंद हुआ, और उसके बाद अभी तक यही चलता आ रहा है कि भैया यहाँ पे प्लेबिसाइट हो, जनमत संग्रह हो, मोटे तौर पर बड़ा सा विवाद है, वो कभी बाद में डिस्कस करेंगे। तो 1948 से ये हुआ, कश्मीर हमारे अंडर में आ गया, लेकिन स्पेशल प्रिविलेज दिया हमने, क्योंकि उसमें हरी सिंह ने जो कागज साइन किया था उसमें भी यही बात लिखी थी कि जब भी सब कुछ ठीक ठाक हो जाए तो यहाँ के जो विधायक लोग हैं या यहाँ के जो विधानसभा है वहाँ पे वोटिंग होगी, वहाँ पे बिल आएगा, और फिर अगर वो कहेंगे कि हाँ हमें भारत में मिलना है तो भारत में मिलेंगे। दूसरा, यूनाइटेड नेशंस ने भी यही कहा था कि यहाँ की जनता से भी पूछना है कि आपको कहाँ मिलना है, लेकिन इसके साथ शर्त ये थी कि पाकिस्तान और भारत दोनों की आर्मी पीछे हटे। तो पाकिस्तान बोलता मैं क्यों अपनी आर्मी हटाऊँ, इंडिया बोलता मैं क्यों अपनी आर्मी हटाऊं, जिसने जो इलाका हड़प लिया वो उसका उसके अंडर में आ गया। तो बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान ने हड़प लिया था, इसको हम कहते हैं पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, और पाकिस्तान कहता है आजाद कश्मीर, पाकिस्तान इसे कहता है आजाद कश्मीर। खैर आजाद कश्मीर आज पाकिस्तान के पास है, इसको हम पीओके कहते हैं, उसको आजाद कश्मीर कहता है, ठीक है। और इसी में से ये जो हिस्सा इसने हड़पा था, इसी में से इधर वाला जो हिस्सा था, इधर वाला ये पाकिस्तान ने 1963 को चाइना को गिफ्ट कर दिया। क्यों गिफ्ट कर दिए ये मैं, क्योंकि 1962 में क्या हुआ था, भारत चाइना युद्ध हुआ था, और उस युद्ध में चाइना ने भारत को हरा दिया था। तो पाकिस्तान की आंखें बड़ी हो गई कि भैया अच्छा चाइना भी भारत का दुश्मन है क्या, तो दुश्मन का दुश्मन कौन होता है दोस्त। तो पाकिस्तान ने चाइना को खुश करने के लिए 1963 में ये बहुत बड़ा एरिया जिसे कहते हैं अक्साई चिन, आज चाइना इस एरिया को कहते हैं अक्साई चिन, ये एरिया पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट कर दिया। मतलब देखिए एरिया मेरा कब्जा किया तुमने और गिफ्ट कर दिया चाइना को, तो आज इधर वाला हिस्सा चाइना के पास है, इधर वाला हिस्सा पाकिस्तान के पास है, और इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में एक ट्रायंगल शेप की जगह है, इन दोनों के बीच में एक ट्रायंगल शेप की जगह है जो एक तरह से बंटवारा की हुई है, मतलब पाकिस्तान वाले इलाके को चाइना वाले इलाके को। तो ये जो ट्रायंगल शेप की जगह है इसको कहते हैं सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर। तो अगर सियाचिन ग्लेशियर हमारे पास है, जब तक हमारे पास है तब तक न चाइना पाकिस्तान से मिल सकता है ना पाकिस्तान चाइना से मिल सकता है, ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और सियाचिन ग्लेशियर की जब जब कहानी भी लगे हाथों आप जाने दीजिए, 1984 तक सियाचिन ग्लेशियर ना पाकिस्तान का था ना भारत का था, क्योंकि बहुत बर्फ पड़ती थी यहाँ पे, कौन जाएगा। लेकिन हमें ये खबर लगी हमारे इंटेलिजेंस को कि पाकिस्तान यहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर पे अपनी आर्मी भेजने वाला ही या इसको कब्जा करने चाहता है, तो हमने एक ऑपरेशन चलाया, उसका नाम था ऑपरेशन मेघदूत। ऑपरेशन मेघदूत चलाया 1984 में, और मेघदूत चला के हमने सियाचिन में अपने जवान को भेज दिया, और तब से हमारे जवान सियाचिन में खड़े हैं। मोदी जी भी कहते हैं कि जवान सियाचिन में खड़े हैं, और दुनिया की सबसे ऊंची बैटल ग्राउंड है ये, मतलब इतनी ऊंचाई पे, इतनी ऊंचाई पे आर्मी कहीं नहीं खड़ी पूरी दुनिया में, इसलिए इसे कहते हैं हाईएस्ट बैटल ग्राउंड ऑफ द वर्ल्ड सियाचिन। और ये हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है, अगर हम यहाँ से हट गए तो सोचिए ये पाकिस्तान और चाइना एक हो जाएंगे, मतलब यहाँ से हाईवे निकाल देंगे अपना, हमारी जमीन से एक हो जाएंगे, दोस्ती कर लेंगे, इसलिए सियाचिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हमारे लिए, ठीक है। इसी का आया था सर, वो तो इंडो पाक वॉर में गया था वो एरिया। अरे भैया तो ये क्या 1948 की कहानी मैंने क्या बताई, इंडो पाक वॉर ही तो हुआ पहला वाला, ठीक है। उसके बाद 1965 में
इंडो पाक वॉर हुआ। इस देखिए 1962 में भारत चीन युद्ध हो चुका था, हम हार चुके थे, पाकिस्तान को लगा, पाकिस्तान ने 1963 में ये वाला जो एरिया जो पहले कब्जा करके रखा था वो एरिया चाइना को दे दिया। बहुत सा एरिया 1962 के वॉर में चाइना ने भी कब्जा कर लिया था, चाइना ने इधर वाला एरिया कब्जा कर लिया था। जो एरिया बचा था वो 1963 में पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया गिफ्ट में। तो 1965 में पाकिस्तान को ये लगा कि देखो भारत चाइना से हार ही चुका है, चाइना मेरा पक्का दोस्त ही है, चाइना ने पाकिस्तान को बोला चल बेटा तू लड़ाई कर, हम सपोर्ट करेंगे। 1965 में पाकिस्तान ज्यादा एक्साइट होकर हम पे अटैक कर दिया, और उस समय देश के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री साहब, और स्थिति बड़ी गंभीर थी, जो कि उस समय तक हमारे देश में सूखा पड़ रहा था और हम चाइना के युद्ध में हार चुके थे, जेब में पैसे भी कम थे। तो शास्त्री जी ने बड़ा फेमस एक स्लोगन दिया कि जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान का नारा दिया शास्त्री जी। इस युद्ध में 1965 वाले जो भारत पाक युद्ध थे इसमें हमने पाकिस्तान को हराया। इसमें हमने देखिए पाकिस्तान के साथ जब भी युद्ध हुआ है ना, 1948 में हुआ, 65 में हुआ, 71 में हुआ, 99 में हुआ, हमने सब में पाकिस्तान को हराया, हमने सारे युद्ध में पाकिस्तान को हराया। तो 65 के युद्ध में पाकिस्तान हार गया। 65 के युद्ध में जो रीजन था वो सर क्रीक वाला एरिया था, सर क्रीक वाला। जैसे मैं ये गुजरात बनाऊं तो गुजरात में यहाँ पे एक एरिया है सर क्रीक नाम से, और ये बड़ा दलदली एरिया है, ये दलदली एरिया। तो अंग्रेजों के जमाने में ये जो इलाका था ऊपर वाला ये सिंध था और नीचे गुजरात रियासत थी, तो इनके बीच में एक समझौता हुआ था कि भैया ये एक नाला है, इस नाले का नाम है हरामी नाला, इस नाले का नाम है हरामी नाला, तो नाले के उस पार तुम्हारा इलाका, नाले के इस पार मेरा इलाका। तो सर क्रीक में पाकिस्तानी जो आर्मी है वो इसको क्रॉस करके इधर आ गई, तो हमने अटैक कर दिया। इंडो पाक वॉर सर क्रीक के कारण हुआ था, उसमें हमने इनको हराया, ठीक है। उसके बाद 1971 में भारत पाक जो युद्ध हुआ उसका, अच्छा ये बताओ जो मैंने अभी लिखा ये क्लियर है कि मैं इसको इरेज कर दूं क्या? यस सर, कर दीजिए। यस सर। देखिए ऐसा नहीं कि जो मेरे मुंह से यार निकल रहा है इसको मैं जीवन में कभी और आपको जब समझाऊंगा नहीं, मैं तो आपको सिर्फ ब्रीफिंग दे रहा हूँ, सिर्फ टच करके निकल रहा हूँ, फिल्म का ट्रेलर दिखा रहा हूँ आप, कि आपको थोड़ा सा आइडिया रहे कि पीछे क्या बीता है। अभी घबराने की कोई बात नहीं कि सर सरप्रीत के बारे में थोड़ा सा और बताइए, बताएंगे सबके बारे में बताएंगे। अभी एक्चुअली में हमें जो हमारा मेन करंट अफेयर्स का टॉपिक था वहां तक पहुंचने के लिए हमें थोड़ा सा ब्रीफिंग बताना चाहिए। तो 1971 में क्या हुआ, जैसा कि जब 1947 में पाकिस्तान बना था तो पाकिस्तान के दो हिस्से थे, दुनिया में ऐसा मुल्क ये पहला बना था जिसके दो हिस्से हैं, इधर भी पाकिस्तान था, इधर भी पाकिस्तान था। तो ये जो पाकिस्तान था इसे कहते थे ईस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान में जो लोग थे तो धर्म के हिसाब से देश बना था कि भाई जहां मुस्लिम है वो मेरा है, लेकिन यहाँ पे जो इनकी भाषा थी वो क्या थी, इनकी जो लोकल भाषा थी वो थी बंगाली और इनकी भाषा थी उर्दू। तो ये उर्दू वाले पाकिस्तान से हमेशा इनसे चिढ़ते थे, लेकिन आबादी के हिसाब से ये जो हिस्सा है जो आज बांग्लादेश है ये बहुत बड़ा था, तो चिढ़ते भी थे, इनका रंग भी सांवला था, ये बोलते भी बंगाली थे और ये लोग साफ चट्टक थे, गोरे थे, उर्दू बोलते थे, तो ये लोग अपने आप को बड़ा 30 मार खान समझते थे। तो आपस में ही विवाद चलता था क्योंकि सारी कमाई इधर से होती थी और सारा खर्चा इधर होता था। तो ये वाले लोग अपने आप को समझने लगे कि यार हमारे साथ धोखा हो रहा है, हम फालतू में पाकिस्तान के नाम पर चले गए, इससे अच्छे भारत में ही रहते। तो धीमे धीमे यहाँ पे बगावत शुरू हुई और यहाँ के लोग बोल रहे थे कि नहीं भैया हमें भी हमारा हम पे जो खर्च हो रहा है, मतलब जो हमसे कमाते हो हम पे खर्च करो। और इसी बीच में एक चुनाव हुआ था 1970 में, उस चुनाव में टोटल 300 सीट थी पाकिस्तान में, मोटे तौर पर 300 सीट, तो उसमें 159 जो सीट थी वो यहाँ की एक पार्टी थी बांग्लादेश की, वो जीत गई थी। आज बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर का नाम कोई बताएगा मुझे क्या है? शेख हसीना। वेरी गुड। तो खालिदा जिया इससे पहले थी, अभी शेख हसीना है। शेख हसीना के जो पापा थे उन्हें कहते थे मुजीबुर रहमान। तो शेख हसीना की वैसे पार्टी का नाम है अवामी लीग। तो इनके पापा कि ये पार्टी थी अवामी लीग और इस पार्टी ने 159 सीट जीत ली। तो मोटे तौर पे ये हुआ कि भैया अब मेजोरिटी तो इन्होंने जीती है और ये रहने वाले कहाँ हैं, इधर के। तो यहाँ वाले लोग कैसे बर्दाश्त करें कि एक पूर्वी पाकिस्तान का आदमी अब हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर बनेगा। तो मुजीबुर रहमान को जेल में डाल दिया गया। जब जेल में डाल दिया गया तो यहाँ पे दंगे भड़क गए। तो पाकिस्तानी आर्मी ने एक ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन सर्च लाइट नाम से। उसमें मोटे तौर पर यह था कि
सारी आर्मी इधर घुसेड़ दी उन्होंने, और इनका ये कहना था कि जो भी हमसे बगावत कर रहा है, जैसे आज म्यांमार में नहीं हो रहा कि जो आर्मी के खिलाफ खड़ा हो रहा है उसको गोली मार रहे हैं, वैसा इन्होंने कर दिया। पाकिस्तानी आर्मी यहाँ पे घुस गई, अवामी लीग नाम है, अवामी लीग, पाकिस्तानी आर्मी यहाँ पे घुसी और यहाँ पे बहुत लोगों को मारा, कोई कई कई एस्टिमेट कहते 30 लाख लोगों को मारा, एक देश की आर्मी ने अपने लोगों को मारा। और इसी से बहुत सारे लोग भारत की ओर भागने लग गए क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तानी आर्मी इनको मार रही थी। हमारे इस समय भारत में प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी का दिमाग खराब हो गया क्योंकि उस समय तक भारत में 1 करोड़ लोग आ गए थे, 1 करोड़ लोग बांग्लादेश से भाग के जान बचाने के लिए। इंदिरा गांधी बोली यार कब तक हम इनको खिलाएंगे पालेंगे, और ये क्या बेवकूफी चल रही है क्योंकि 1 करोड़ लोग यहाँ भारत में घुसे हैं तो वो खा भी रहे हैं, रह भी रहे हैं, पानी भी यूज कर रहे हैं, सब कुछ हमारे रिसोर्सेज भी यूज कर रहे हैं। तो इंदिरा गांधी ने मन में ठाना कि यार इसके साथ तो निपटना पड़ेगा, नहीं तो ये तो सब भागते चले आएंगे। तो इंदिरा गांधी ने अपनी आर्मी को बोला भैया अटैक करो यहाँ पे। 3 दिसंबर का दिन था, पहले हम ये सोच रहे थे कि पहले हम अटैक करें, लेकिन पाकिस्तान ने गलती कर दी, पाकिस्तान ने हमारे इधर वाले जो इलाके थे, अम्बाला हो गया, अमृतसर हो गया, पठानकोट, यहाँ पे बमबारी शुरू कर दी। हमें बहाना मिल गया, हम तो तैयार बैठे थे, हमने इधर भी आर्मी घुसेड़ दी, इधर भी आर्मी घुसेड़ दी। 13 दिन युद्ध चला 1971 का, ताबड़तोड़ युद्ध चला, भारत सेना ने पाकिस्तानी आर्मी को इधर भी हराया, इधर भी हराया। और 16 दिसंबर को इंदिरा गांधी ने बोला बधाइयों बधाइयों बांग्लादेश पैदा हुआ, है ना, तो दुनिया भर को बोला एक नया देश पैदा हुआ 16 दिसंबर को बांग्लादेश, और हम पहले कंट्री थे दुनिया में जिसने हमने इसको रिकॉग्नाइज किया एज अ कंट्री, हमने बोला एक देश है ये और इसका नाम है बांग्लादेश। तो भारत ने एक देश पैदा कर दिया, बताइए पाकिस्तान को तोड़ के, ठीक है। 1971 का ये कॉन्सेप्ट था। उसके बाद हम बात करेंगे कि अब पाकिस्तान को ये समझ में आ गया कि भाई भारत से डायरेक्ट लड़ने में दिक्कत है। पाकिस्तान ने कॉन्सेप्ट निकाला कि कट थ्रू 1000 ब्लेड्स। पाकिस्तान ने सोचा यार इनसे डायरेक्ट लड़ना हमारे लिए नाकाफी है, पता नहीं क्या खा के लड़ते हैं भारत की आर्मी वाले, ये तो कभी हारते ही नहीं है। तो पाकिस्तान ने बोला नहीं, हम भारत के जिस्म में, हम भारत के शरीर में इतने ब्लेड मारेंगे, इतने निशान मारेंगे कि इसका पूरा शरीर रिश्ता रहेगा। जैसे मान लीजिए आप एक बार में किसी गर्दन काट दो चलेगा, लेकिन अगर आप उसकी गर्दन नहीं काट पा रहे, उसको मार नहीं पा रहे, तो आप क्या करते हो उसके शरीर में हर जगह चाकू मारने लग जाते हो, कहीं भी चाकू मार रहे हो, इधर भी दर्द हो इधर भी दर्द हो। तो ये पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट रहा है कि अब इनसे डायरेक्ट नहीं लड़ेंगे, अब इनको पे आतंकवाद का सहारा लेंगे। आतंकवाद का खेल तो ये खेल ही रहे थे अफगानिस्तान में, आतंकवाद का सहारा लेंगे और इनके देश में इतने इनको दर्द देंगे, जैसे वो चुलबुल कहते ना कि इतने छेद करेंगे कन्फ्यूज हो जाओगे। तो ये पाकिस्तान का फॉर्म था कि कट थ्रू 1000 ब्लेड्स, इतने इनको घाव करेंगे भारत को कि भारत इन घाव से ही परेशान होकर मर जाएगा। खैर उसका सपना कभी पूरा नहीं हो पाया जबकि हमने उसके 2 टुकड़े कर दिए। तो उसके 1971 के बाद से ही और इसमें बड़ा वो चलता है कि इस युद्ध में हमने बहुत बड़ा एरिया कैप्चर कर लिया था और 90,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर हमारे पास थे, वो सब डिबेट का इशू है, वो कभी बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बहुत कुछ चलाती रहती है कि इंदिरा गांधी की बहुत गलती थी, जो भी है। इसके बाद पाकिस्तान ने तय किया कि भैया भारत से डायरेक्ट लड़ना बेवकूफ़ी है। तो पाकिस्तान ने अगले 20 साल तक हम पे छोटे मोटे अटैक करना शुरू किया। उसने जो हमारा पंजाब वाला एरिया है वहाँ पे खालिस्तान वाले जो मूवमेंट वाले लोग थे, मतलब वो चाह रहे थे पंजाब को अलग कर दे, उनको सपोर्ट करना शुरू किया। इसी बीच में हमने ऑपरेशन मेघदूत किया था, हमने सियाचिन में कब्जा कर लिया। इसी बीच में 1984 में आपने देखा कि जो पाकिस्तान वो पंजाब वाला एरिया है, हमारा पंजाब वाला, वहाँ पे खालिस्तान की मांग बहुत चली थी। खालिस्तान मतलब ये चाह रहे थे नया देश बनाए इसमें सिर्फ पंजाबी रहे खालिस्तान नाम से। और ऑपरेशन फिर यहाँ पे हमने देखा था। आप मुझे बताइए अमृतसर में कोई गुरुद्वारा है क्या फेमस? यस सर। स्वर्ण मंदिर है अमृतसर में, तो वहां पे फिर एक खालिस्तानी लीडर था, उसका नाम था भिंडरावाला। भिंडरावाला अपनी पूरी टीम के साथ वहां पे रह रहा था, छुपा हुआ था। फिर कुछ ऐसे इश्यूज बने कि भिंडरावाले ने इस स्वर्ण मंदिर का उपयोग करना शुरू कर दिया अपने हेडक्वार्टर के रूप में, वहां से आतंकवादी गतिविधियां चला रहा था। इंदिरा गांधी को खबर लगी, सबने इंटेलिजेंस दी कि भैया यह स्वर्ण मंदिर में बहुत सारे गोला बारूद है, हथियार है, असला है, हमें इवैक्यूएट करना पड़ेगा, इस मंदिर को खाली कराना पड़ेगा। तो इंदिरा गांधी ने आदेश दिया कि भैया कुछ भी करो और हमें ये खालिस्तानी जो आतंकवादी हैं ये सब बाहर चाहिए। तो
जो हमारी इंडियन आर्मी है उसने एक ऑपरेशन चलाया, उसका नाम था ऑपरेशन ब्लू स्टार। और इस ब्लू स्टार ऑपरेशन में हमारी आर्मी स्वर्ण मंदिर में घुस गई, कई स्वर्ण मंदिर को बड़ा क्षति हुआ। और इससे जो कुछ पाकिस्तान जो पंजाबी थे वो आहत हो गए कि भैया ये इसने इस महिला ने इंदिरा गांधी ने हमारे मंदिर में आर्मी कैसे घुसेड़ दी। और आर्मी घुसी, टैंक भी घुस गए, गोला बारूद चले, और ये भंडरावाला बाद में मारा गया। लेकिन इसी को बदला लेने के लिए करतारपुर साहब बताऊंगा बेटा, फिर हम देखते हैं कि 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी के दो अंगरक्षक थे, वो पंजाबी ही थे, वो इतना इस बात से खफा हो गए थे कि हमारे स्वर्ण मंदिर में कैसे आर्मी घुस गई, कैसे गोला बारूद चल गया। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी को इन लोगों ने गोली मार के हत्या कर दी। तो इंदिरा गांधी उस ऑपरेशन ब्लू स्टार की वजह से मारी गई थी। तो ये सब भी प्रोपेगेंडा जो चल रहा था पाकिस्तानी करवा रहा था। उसके बाद जो जितनी भी और भी हमारे जो भी देशों में हम देखें कि अटैक हो रहे थे या फिर इलाके में बम फूट रहा था या कहीं हाईजैकिंग हो रही थी, सब पाकिस्तान धीमे धीमे करवा रहा था। उसके बाद हम देखते हैं कि 1999 में कारगिल युद्ध होता है। कारगिल युद्ध की कहानी आप लोगों को पता ही होगी, और ऑपरेशन विजय इसमें हमने चलाया था, इस युद्ध को हमने जीता था, गर्मियों के समय युद्ध हुआ था। और इस युद्ध के पहले अटल बिहारी वाजपेयी जो थे बड़े विजनरी लीडर थे, मतलब बड़ी दूर की सोचते थे, कुछ उनमें कमियां थी लेकिन ओवरऑल बहुत बढ़िया व्यक्ति थे। अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बात कही थी कि यार हम अपना भूगोल नहीं बदल सकते। इसका क्या मतलब है? हम अपनी ज्योग्राफी नहीं बदल सकते। इसका मतलब अगर इंडिया के बगल में पाकिस्तान है तो है, हम पाकिस्तान को उठा के कहीं भेज नहीं सकते, हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि पाकिस्तान मेरा पड़ोसी है। अब अच्छा पड़ोसी या बुरा पड़ोसी, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। तो कारगिल वॉर के पहले एक बस डिप्लोमेसी हुई थी। बस डिप्लोमेसी मतलब देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और उस समय के कई फिल्म स्टार देवानंद, कपिल देव, इन सबको लेकर जिनका बड़ा नाम था पाकिस्तान में, उन सबको लेकर बस से दिल्ली से अमृतसर से लाहौर गए थे अटल बिहारी वाजपेयी। वहां पर नवाज शरीफ से वो हाथ मिला रहे, गले मिल रहे हैं, सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है, और मालूम चल रहा है पीठ पीछे कारगिल में युद्ध की तैयारी हो रही है। तो कारगिल युद्ध जब हुआ था तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर तक को पता नहीं था कि यार युद्ध शुरू हो गया, क्योंकि पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि पाकिस्तान में जो जैसे जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, उसके पैरलर में बैठती आर्मी, उसके साथ आर्मी बैठती। हमारे देश में क्या है, आर्मी जो है बहुत नीचे आती है, आर्मी बहुत नीचे आती है, लेकिन वहां पे आर्मी सरकार के बगल में बैठती है। तो वहां पे आर्मी भैया बड़ी अच्छी चीज है। कई बार पाकिस्तान में तख्ता पलट भी हुआ आर्मी का, ठीक है। तो सबसे लेटेस्ट जो तख्ता पलट था वो परवेज मुशर्रफ ने किया था, इसी कारगिल युद्ध के दौरान जो सेना अध्यक्ष थे वो परवेज मुशर्रफ थे। देखो ऑपरेशन ब्लू स्टार में ये था बेटा कि जो पाकिस्तान में पंजाब वाला एरिया था वहाँ पे कुछ पंजाबी लोग थे या कुछ ऐसे लोग थे जो बोल रहे थे मैं नया देश बनाना है, उसका नाम था खालिस्तान बनाना है। तो उनका एक लीडर था, उसका नाम था जरनैल सिंह भंडरावाला। तो उसने जो अमृतसर था वहाँ पे धीमे धीमे अपने सारे लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया, वहाँ पे गोला बारूद रखना शुरू किया, एक तरह से उस गुरुद्वारे को उसने अपना हेडक्वार्टर बना लिया, अपना बेस बना लिया, और उस पवित्र जगह पे वो गोला बारूद रखना शुरू कर दिया, आतंकवादी गतिविधियां करना शुरू कर दिया। सरकार को खबर लगी कि भैया ऐसा ऐसा हो रहा है, तो पहले वहां की पुलिस फोर्स ने संभालना शुरू किया, पुलिस फोर्स को संभाल नहीं पाई, वहां के डीआईजी तक तो मार दिया गया, जो डीआईजी कितनी बड़ी पोस्ट होती है, अटवाल डीआईजी थे, उनको मार दिया गया। अब 3 घंटे तक उनकी लाश पड़ी रहेगी अमृतसर के सामने, मतलब उस गुरुद्वारे के सामने, किसी की हिम्मत नहीं कि उसको टच कर ले, क्योंकि सबको पता था मारा किसने, भंडरा वाले ने, अगर कोई इनकी लाश भी उठाने आएगा ना तो वो उसको मारेगा। वहां के सीएम थे उस समय बोटा सिंह, बोटा सिंह भंडरा वाले को फोन करके बोलते हैं यार प्लीज हमें डीआईजी की लाश उठवा लेने दो। तो इतना लॉ एंड ऑर्डर इतना बेकार था उस समय कि पुलिस तो कुछ कर ही नहीं पा रही थी, सीएम तो कुछ कर ही नहीं पा रहे थे। इंदिरा गांधी से बात पहुंची, इंदिरा गांधी ने आर्मी को भेजा, कुछ भी करो मुझको ये सब साफ चाहिए, मुझे आतंकवादी लोग नहीं चाहिए। तो आर्मी ऑर्डर मिले, घुस गई वो स्वर्ण मंदिर में। अब मंदिर में घुस गई तो लोगों की आस्था आहत हो गई कि यार हमारे मंदिर में टैंक कैसे घुस गए, हमारे मंदिर में लोग जूते पहने कैसे घुस गए, भैया आर्मी थोड़ी जूता उतार लड़ने आएगी, वो तो जूता पहन लड़ने आएगी। तो ये था ऑपरेशन ब्लू स्टार, इसमें जनरल सिंह भंडरावाला जो खालिस्तानी मूवमेंट चला रहा था उसको मार दिया गया, और उस मंदिर की काफी क्षति हुई थी। बाद में सरकार ने उसको बनवा भी दिया पूरा, लेकिन जो दिल में क्षति हुई थी कि बार इंदिरा गांधी कुछ और कर सकती थी, क्यों आर्मी को घुसेड़ दिया अंदर, तो उसी के चक्कर में 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी के दो बॉडीगार्ड थे, दोनों पंजाबी थे, सिख थे, उन्होंने उनको मार दिया। तो बस डिप्लोमेसी हुई थी, इसके पहले अटल बिहारी वाजपेयी बस लेके गए थे, पीछे से कारगिल युद्ध का हमें तोहफा मिल गया, इस युद्ध में भी हमने जीता। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास 2001 में संसद में अटैक हो गया, उस अटैक को हमने झेला। इसी बीच में 2000 में हमारा
प्लेन हाईजैक करके कंधार ले गए, वो भी पाकिस्तान और तालिबान की मिलीभगत थी। ठीक है, जब 2001 में संसद में अटैक हुआ था ना, उसके बाद लग रहा था फिर से अटैक हो जाएगा, फिर से लड़ाई हो जाएगी, लेकिन हमने रोका इस तरह। उसके बाद धीमे धीमे काम थाम चलता ही रहा। 2016 में एक सर्जिकल स्ट्राइक छुट्टी से हमने की थी वहां पे, और असल में हुआ ये था कि उरी में अटैक हुआ था, उरी पे फिल्म बनी है, उरी जो है वो जम्मू कश्मीर वाले इलाके में पड़ता है, वहां पे अटैक किया था पाकिस्तानियों ने, बाद में हमने सर्जिकल स्ट्राइक की। उसके बाद हम देख रहे हैं कि जो एलओसी वाला एरिया है, एलओसी, असल में आप लोग जानते हैं एलओसी का फुल फॉर्म क्या होता है? लाइन ऑफ कंट्रोल। वेरी गुड, लाइन ऑफ कंट्रोल। अब पाकिस्तान के साथ जो है वो एलएसी है, लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल। तो जो हमारा पश्चिमी बॉर्डर है जो पाकिस्तान के साथ लगा हुआ है, 1971 के युद्ध के बाद एलओसी का कॉन्सेप्ट आया था। ठीक है, मतलब कॉन्सेप्ट तो 1948 के युद्ध के बाद ही आ गया था, कि वहां पे ये था कि जो जिसने जो जमीन कब्जा कर ली वो जमीन उसकी, 1948 के युद्ध के बाद ही। लेकिन 1971 के युद्ध में इस एलओसी को मान्यता दे दी गई थी कि भाई ठीक है, एलओसी अब इंटरनेशनल बॉर्डर रहेगी, अब एलओसी के उस पार तेरा, एलओसी के इस पार मेरा, इधर उधर मत करना। तो एलओसी का नाम पहली बार आया था 1948 में, यूनाइटेड नेशंस ने तय करवाया था, जिसने जो जमीन कब्जा कर ली वो उसकी, इसलिए आजाद कश्मीर उनके पास चला गया, बहुत कुछ हिस्सा मेरे पास रह गया। तो उरी पे अब, और हम देखते आते हैं कि रोज खबरें आती हैं कि एलओसी में सीज फायर हुआ। सीज फायर मतलब इधर से कोई गोला इधर गिरा, इधर से कोई गोला इधर गिरा, इसे कहते हैं सीज फायर का उल्लंघन करना, क्योंकि एलओसी में शांति होनी चाहिए भाई, तेरी जमीन तेरी, मेरी जमीन मेरी, फिर भी यहाँ पे बम गोला वालों चलते रहते। ठीक है, तो उरी पे अटैक हुआ, हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, फिर हमने देखा कि वैलेंटाइन डे के दिन पुलवामा में अटैक हो गया, उसके बाद हमने बालाकोट स्ट्राइक की, अभिनंदन को पकड़ लिया गया। ले सकते हैं, लेंगे बिल्कुल, देखते हैं क्या होगा। फिर बालाकोट स्ट्राइक हुई, अभिनंदन को पकड़ लिया, फिर अभिनंदन को हमने छुड़ाया। फिर क्या हुआ, इसी साल 5 अगस्त को ले लेंगे पाक से, पीओके भी ले लेंगे, अभी अपन सिलेक्शन तो ले, वो सरकार पे छोड़ देते हैं। ठीक है, देखो मैंने सबसे पहले क्या बोला था, आप लोग इतनी जल्दी भूल जाते हो, मैंने बोला 1948 के युद्ध में किसने शांति करवाई, यूनाइटेड नेशंस ने। और उसने क्या बोली था, उसने बोला था कि भाई ये जो कश्मीर वाला इलाका है ये किसका रहेगा, इसमें सब कुछ आता है, ये किसका रहेगा, ये कौन तय करेगी, यहाँ की जनता। और जनता तो कब तय करेगी, जब पूरे कश्मीर के लोग, पूरे कश्मीर के लोग को अलाउ किया जाए कि भैया आप अपना वोट डालें कि आप भारत में आना है कि पाकिस्तान में। अभी क्या है, आप देखिए ये बहुत बड़ा हिस्सा तो पाकिस्तान के पास रखा हुआ है, बहुत बड़ा हिस्सा चाइना लेके बैठा हुआ है। तो अब शर्त हमारे साथ क्या हो गई है भाई, जनता जब कहेगी तब कश्मीर किसी का होगा, मेरा है तेरा। जनता जो है वो कब कहेगी, जब पूरा कश्मीर होगा, और ये कब होगा, जब पाकिस्तान अपनी आर्मी यहाँ से हटा ले, हम अपनी आर्मी हटा ले, तब पूरी जनता को एक दिन के लिए बोले कि भैया यार वोट डाल दो। तो ना पाकिस्तान की आर्मी हटने वाली, ना हमारी आर्मी हटने वाली है। 1948 में एलओसी का कॉन्सेप्ट आ गया था, 1971 में शिमला समझौता हुआ था युद्ध के बाद, और उसमें ये हुआ था कि एलओसी को ही अपन अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर मान लेते, कि जो तूने पकड़ लिया वो तेरा, जो मैंने पकड़ लिया मेरा, वो आज के हिसाब से तो पीओके पाकिस्तान का हो गया, क्योंकि 1971 में हमने और उन्होंने मान लिया था कि जो आपका जो एलओसी के इस पार है वो आपका, जैसे एलओसी इधर आती है, एलओसी ऐसे निकलती है, ठीक है, तो एलओसी के इस पार का पाकिस्तान का है, पीओके है ना भाई, भले पाकिस्तान ने कब्जा किया है लेकिन है तो पाकिस्तान का। अब अगर तुम इधर से घुस के इधर से ले आओ तो अलग बात है, फिर दुनिया में बहुत सारे देश है, जैसे 2014 में रशिया ने क्रीमिया पे अब कब्जा कर लिया, क्रीमिया यूक्रेन का था फिर भी रशिया ने कब्जा कर लिया, हम भी रशिया से कम थोड़ी ना, हम भी कब्जा कर लेंगे। ठीक है, तो 1959 में चाइना ने तिब्बत पे कब्जा कर लिया था, आप भी कर सकते हैं, आपके पास मसल पावर हो, आर्मी पावर हो तो। लेकिन ऑन रिकॉर्ड अगर कहें तो वैसे 1971 के बाद से ये जो हिस्सा है हमने पाकिस्तान को मान रखा है, और जो बाकी मेरा हिस्सा था वो हमने अपना मान रखा था। इसलिए 5 अगस्त 2020 को जब हमने आर्टिकल 370 और 35 ए को हटाया तो पाकिस्तान उछल गया, यार भारत ऐसा क्यों कर रहा है। तो भारत ने बोला बेटा 1971 के समझौते में क्या कहा था, जिसने जो कब्जा किया उसका, तो ये हिस्सा तो मेरे अंडर में आ रहा है तो मैं यहाँ कुछ भी करूँ। भाई तुम पीओके के अंदर कुछ भी करते हो हम कहते हैं क्या? तो आज पीओके के अंदर वो पाकिस्तान कुछ भी करता है हम नहीं कहते, इसलिए जब हम इस एरिया में हम कुछ करें तुम मत कहना। तो भले आज पाकिस्तान हल्ला मार रहा है लेकिन 1971 के शिमला समझौता के बाद ये हुआ था कि भैया ये जो एलओसी है इसी को मानेंगे इंटरनेशनल बॉर्डर, इधर वाला हिस्सा भारत का, यहाँ पे भारत 35 ए को हटाए, 370 को हटाए, वो भारत का अंदरूनी मैटर है। शिवानी पूछे क्या पूछना है?
सर रशिया ने यूक्रेन के कौन से पार्ट को लिया था? क्रीमिया को कब्जा किया था 2014 में, ठीक है? ओके सर। तो भैया हमने 5 अगस्त को 370-35 से हटा दिया सर। हाँ, उसके बाद पाकिस्तान का दिमाग खराब है, तब से उस दिन से पाकिस्तान ने हमारे साथ सारे समझौते कैंसिल कर दिए, कोई व्यापार बंद कर दिया, सब कुछ बंद कर दिया। हमने बोला हमें क्या दिक्कत है, बंद करे रहो व्यापार, घाटा तुम्हें ही होगा। अब पाकिस्तान बेचारा परेशान है, वैक्सीन चाहिए मिल नहीं रही है। फिर अब पाकिस्तान महंगे रेट में चाइना से खरीद रहा है साइनोफार्म। हमसे प्यार मोहब्बत करता तो हम ही दे देते, शायद फ्री में दे देते, क्योंकि हम तो वैक्सीन मैत्री चला ही रहे थे। वैक्सीन मैत्री के सवाल में मैंने बताया था कि सबको इंक्लूड किया पाकिस्तान को छोड़ के, क्योंकि पाकिस्तान ने सामने से मांगा नहीं। अगर मांगता तो शायद हम दे देते, हम बड़ा दिल रखते हैं, हम दे देते, लेकिन ना तुम मांगोगे तो हमें थोड़ा सपना आ रहा कि तुम्हें वैक्सीन दे दे। तो मोटे तौर पे आज हमारे पाकिस्तान के रिश्ते बड़े तल्ख हैं। पाकिस्तान जो है वो हमेशा से उसके पास कोई ज्यादा शिमला एग्रीमेंट, फिर समझा दीजिए बेटा, शिमला एग्रीमेंट 2 बार हुए। पहली चीज मैं फिर से कह रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं कोई चीज बाद में नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ ब्रीफिंग दे रहा हूँ। देखो जो 1971 में युद्ध हुआ ना, युद्ध के बाद इंदिरा गांधी ने बोला आओ शिमला में मिलते हैं, बहुत युद्ध हो गया, थोड़े ठंडा ठंडे माहौल में मिलते हैं। तो इसके बाद कुछ बातचीत हुई दोनों देशों के बीच में, से कहते शिमला समझौता। उसके बाद 2001 में भी जब अटल बिहारी की सरकार थी तब भी शिमला समझौता हुआ, तो शिमला समझौता 2 हुए हैं, 2001 में हुआ और 1971 में हुआ है, और इन दोनों में कुछ कुछ बातें हुई थी, ठीक है? क्या बातें हुई इसको बताऊंगा तो फिर अपनी क्लास अपन मेन टॉपिक से आगे आएंगे। तो मोटे तौर पे आज हम देखें पाकिस्तान का हमारे साथ जो रवैया है बेहद तल्ख रहा है। कई बार युद्ध करने की कोशिश किया है, हर बार हारा है, हर बार हमने उसको पटका है। अभी उसकी दिक्कतें, उसके साथ इतनी ज्यादा दिक्कत है क्योंकि उस देश में ज्यादा कुछ डेवलपमेंट है नहीं, ट्रेड है नहीं, विकास है नहीं। और पाकिस्तान की जो हिस्ट्री रही है उसमें कई बार वहां की सरकार को हटा के आर्मी ने शासन ले लिया। अगर पाकिस्तान की सरकार में अगर मैं बात करूं तो एक थे नवाज शरीफ, इन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया है, और अभी चल रहा है इमरान खान, इनका भी लग रहा है 5 साल का कार्यकाल पूरा हो जाएगा। नहीं तो इसके पहले जो भी प्राइम मिनिस्टर कभी बना है वो 5 साल तक बच ही नहीं पाया, 5 साल तक रह ही नहीं पाया, है ना? इसमें अगर हम देखेंगे जुल्फिकार अली भुट्टो, ये प्राइम मिनिस्टर रहे, इनको फांसी दे दी गई, ठीक है? इनकी बेटी थी बेनजीर, इसकी हत्या कर दी गई, बम से उड़ा दिया गया था, जिस तरह राजीव गांधी को उड़ा दिया गया था, ठीक है? पाकिस्तान में कई बार जैसे कई ऐसे सेना अध्यक्ष हैं जैसे जिया उल हक, ये सब सेना अध्यक्ष थे, लेकिन इन्होंने वहां पे सरकार को गिरा के क्या कर लिया, सत्ता परिवर्तन कर लिया और खुद मालिक बन गए। याह्या खान, परवेज मुशर्रफ, ये सब आर्मी चीफ थे, लेकिन वहां पे आर्मी जैसे मैंने बोला है कि सरकार के जस्ट बगल में बैठती है, तो कई बार इन लोगों ने सत्ता परिवर्तन कर दिया, कू कर दिया, तख्ता पलट कर दिया। याह्या खान हो या परवेज मुशर्रफ हो, जियाउल हक हो, ठीक है? जियाउल हक जब था तो 1971 का वॉर होना था, जियाउल हक जो था इसी की सारी कारिस्तानी थी कि ये बंद करो उस मुजीबुर रहमान को, नहीं तो वो बन जाएगा प्राइम मिनिस्टर। पाकिस्तान का इतिहास बहुत बेकार रहा है। हमारे देश में लगातार चुनाव होते आ रहे हैं, हमारे देश में डेमोक्रेसी फलती फूलती आ रही है, और पाकिस्तान में डेमोक्रेसी जैसे अभी हम इमरान खान की बात करेंगे तो लोग अभी तो दुनिया के कई देश पाकिस्तान की सरकार को मानते भी नहीं कि वो तो कहते इमरान खान तो कठपुतली है, यहाँ पे जो मेन रूल है वो आर्मी चला रही है। इमरान खान तो एक क्रिकेटर था, बॉलिंग करता था, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का कप्तान था, आर्मी से कुछ साठ गांठ हुई, आर्मी को एक ऐसा आदमी चाहिए था जो ज्यादा सवाल जवाब ना करे। मेन देश में आर्मी रूल कर रही है, इमरान खान एक चेहरा है प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट का। पाकिस्तान में ट्रेड है नहीं, पाकिस्तान में ज्यादा व्यापार हुआ नहीं, पाकिस्तान की सरकार जो रही, जब देखो इतनी बार जब तख्ता पलट होगा आर्मी वहां पे आएगी तो वहां पे कमाई तो है नहीं कुछ। तो पाकिस्तान जो था हमेशा उसके 2 माई बाप रहे, बहुत समय तक यूएसए रहा है, और यूएसए जब है वो आप देखिए तो अफगानिस्तान के चक्कर में यूएसए ने इसको खूब पैसा दिया, और दूसरा अभी जो इसका बड़ा भाई बन के बैठा है वो चाइना, और चाइना जो है वो इसको खूब लोन बांट रहा है। और जैसा कि मैंने बताया था चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसके तहत चाइना ने ग्वादर बंदरगाह को डेवलप किया। चाइना भी चाहता है कि अगर जैसे ये मैं अगर इसको मैं रेस करता हूँ, जैसे ये भारत हो गया, फिर ये बाकी देश हो गए, ठीक है, ये पाकिस्तान वाला एरिया हो गया। अब चाइना को भी तेल चाहिए, चाइना भी वो भी पेट्रोल चाहिए, तो अभी तक क्या करता है चाइना, पूरी ये
घूम घाम के यहाँ से घूमते घामते फिर अपने देश पहुंचता है, बड़ा लंबा पड़ता है, बीच में डर है भारत का, कहीं भारत की आर्मी ने हमको परेशान कर ले। तो चाइना ने पाकिस्तान से बात की, बोला यार मैं एक बंदरगाह बनाता हूँ यहाँ पे बालाकोट ग्वादर नाम से, पैसा मैं खर्च करूंगा और यहाँ से पूरा हाईवे मैं बनाऊंगा। तो अब क्या होगा, जो चाइना का तेल आता है, कच्चा तेल यहाँ से आता है सऊदी अरब या बाकी जो गल्फ कंट्रीज, यहाँ से तेल सीधे आता है बाला ग्वादर और ग्वादर से सीधे चाइना, यहाँ पे हाईवे बना के रखा है। इसे कहा जाता है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, कॉरिडोर मतलब गलियारा, ये सब चाइना ने फंडेड किया है और यहाँ से बकायदा बेहतरीन हाईवे बने हुए, फटाफट तेल यहाँ से सीधे चाइना पहुंच जाता है भारत को बाईपास करते हुए। ठीक है, ये भारत है, भारत से ऊपर से निकल जाता है और कुछ हिस्सा तो यहाँ पे भारत का है, जिसके लिए भारत हमेशा पाकिस्तान को चिल्लाता रहता है, पाकिस्तान मानता नहीं, क्योंकि मैंने बोला है कि बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया है मेरा और उसी हिस्से से निकल गया हाईवे। भारत का ये कहना है कि भाई ये एरिया तो मेरा है, तूने तो यहाँ हाईवे बनाया, ऊपर से वो हाईवे तूने पाकिस्तान चाइना के साथ जोड़ भी दिया, इसलिए यहाँ पे जो सियाचिन है ना ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर सियाचिन छूट जाएगा तो चाइना पाकिस्तान तो गले मिल लेंगे। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में मेन मतलब चाइना का है, वो इतना लंबा रास्ता चलना नहीं चाहता क्योंकि यहाँ से कच्चा तेल आ रहा है, कच्चे तेल से ईंधन है और वहां से इकोनॉमी चल रही है, तो उसने ग्वादर बनाया और इसी को काउंटर करने के लिए हमने क्या बनाया यहाँ पे, चाबहार बनाया। चाबहार भारत ने बनाया और ग्वादर चाइना ने बनाया। हाँ पूछिए, किसे क्या पूछना है, साहिल पूछिए। कॉरिडोर कंप्लीट हो गया? हाँ, सीपीईसी कंप्लीट हो चुका है, चाइना ने अरबों रुपए यहाँ पे लगा दिए हैं और पाकिस्तान को उधार में पैसा दिया, ये बोल के बेटा ये सब मैं विकास कर रहा हूँ, इससे बहुत पैसा आएगा, तू मुझे उधार चुका देना। और पाकिस्तान की अब बेचारे की किस्मत ऐसी है कि पाकिस्तान को समझ में आ गया कि यार ये तो उधार पड़ गया मेरे ऊपर, यार ये हाईवे तो बन गए हैं, इससे फायदा सिर्फ चाइना को हो रहा है, पाकिस्तान की कमाई खत्म हो रही है, हाई नहीं कमाई लेकिन है तो उधार का, पाकिस्तान परेशान है। सीपीईसी जो है चाइना के लिए फायदेमंद रहा, पाकिस्तान के लिए तो एक तरह से कह लीजिए कब्र खुद गई है। और ये जो जगह है ग्वादर वाली, ये जगह बलूचिस्तान नाम के एरिया में आती है, बलूचिस्तान, जिस तरह पाकिस्तान कश्मीर में पैसा दे के वहां पे आतंकवाद फैलाता है या चाहता है कि कश्मीर के हिस्से में भारत परेशान रहे, उस तरह ये जो बलूचिस्तान वाला एरिया है ना, यहाँ पे भारत फंड कराता है, ऐसे लिखना नहीं कहीं समझ लो, भारत कश्मीर का बदला बलूचिस्तान से लेता है, बलूचिस्तान में भारत बहुत पैसा भेजता है कि बलूचिस्तान में अस्थिरता रहे और बलूचिस्तान से पाकिस्तान परेशान होता रहे। और इसी बलूचिस्तान में ग्वादर नाम का बंदरगाह है। और अब किसी ने कुछ सवाल पूछा है, पूछिए भाई क्या सवाल है।